बहुत आवश्यकताओं के कारण समृद्धि घट गई। जैसे आवक कम है और खर्चा बहुत ज्यादा है तो आदमी जरूर टेंशन में रहेगा। इसलिए कोशिश ऐसी की जाए कि हमारी आवश्यकताएं कम हो। और ये कोई ऐसा नहीं कि इसका कोई अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे सांप दिखे तो अभ्यास नहीं करते हैं कि अब धीरे धीरे एक कदम पीछे, दो कदम पीछे, तीन कदम पीछे, चार कदम पीछे। नहीं, सांप लगा दे छलांग एकदम ऐसी कि जिंदगी में कभी छलांग न लगाई हो। तो ये एक समझ है कि सांप है, काट खाता है, परे हटो, जहर होता है इसमें। तो ऐसे एक समझ होनी चाहिए कि बस जिसकी आवश्यकताएं ज्यादा वो दरिद्र और जिसकी आवश्यकताएं कम वो समृद्ध। और ऐसा समृद्ध व्यक्ति ही साधना में आगे बढ़ सकता है। तो मुझे साधना में आगे बढ़ना है तो मुझे इस अर्थ में समृद्ध होना पड़ेगा। ये खरीद लो क्या हर्ज है, ये खरीद लो क्या हर्ज है, क्या हर्ज है नहीं, क्या जरूरत है। इस बात को हम ध्यान में रखें। हमारे गुरुदेव हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं पर गुरु के प्रति भक्ति के अभाव में लोग उस यात्रा पर चल पड़ते हैं जो शुरू तो होती है पर पूरी नहीं होती, उसमें मंजिल नहीं आती। पर गुरु की उपासना के प्रभाव से साधक की यात्रा शुरू होती है, मेहनत कम होती है और मंजिल आ जाती है। चलना नहीं पड़ता, मंजिल आ जाती है। और गुरु की उपासना के अभाव में मनमाना करते रहने के कारण यात्रा शुरू तो होती है, श्रम बहुत होता है, समय और शक्ति बहुत खर्च होती है पर मंजिल नहीं आती। चलते रहो चलते रहो, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, जन्म पे जन्म लेके घूमते रहो बस। एक राजा था, उसका बेटा बुरे संग में पड़ गया था, शराब खूब पीता था, गलत काम भी करता था, व्यभिचार में पड़ गया था। राजा इस बात से बहुत दुखी भी था, समझाता भी बहुत था बेटे को, पर बेटा था ऐसा समझने को राजी नहीं था। यह आप में से कईयों का अनुभव होगा, कई लोगों को समझाते हैं ना वो समझने को राजी नहीं होते। वो समझते हैं कि हम सही हैं, ये हमको समझाने वाला पागल है। तो उसके लिए एक उपाय है, घर में कोई व्यक्ति गलत है आपको लगता है, वो जप नहीं करता, सुबह जल्दी नहीं उठता, नियम नहीं करता, मनमाना करता है, तो हम क्या करें? उसको केवल समझाते न रहे, आरोपण न किया जाए उस पर, उसका रूपांतरण किया जाए। कई लोग बोलते रहते हैं बस ये मत कर तेरे को नुकसान होगा, ये मत कर नुकसान होगा। नहीं, उसका अंतस बदले ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। और उसका अंतस बदले उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसका दिल बदले उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमें अपनी साधना थोड़ी बढ़ानी होगी, हमें अपनी दृष्टि का तेज ऐसा बढ़ाना होगा कि सामने वाले का दिल बदले, हमें अपनी आंखों में ऐसी चमक लानी होगी जो सामने वाले के दिल में उजाला कर सके। उसके लिए हम अपनी आंखों की देखने की शक्ति को बचाएं। हम अपनी आंखों की शक्ति बहुत खर्च करते हैं, हम आंखों से केवल देखते ही नहीं हैं अपितु देखने की क्षमता को भी हम गंवा रहे हैं। हम खाना खाते हैं केवल हमको खाने से शक्ति नहीं मिलती, याद रखना पचाने की शक्ति भी गंवा रहे हैं।
और गंवाते गंवाते दिन बीतते जाते हैं, 40 साल 45 साल की उम्र हो जाए तो फिर उतना नहीं खा सकते जितना 30 साल की उम्र में खाते थे। 45 साल की उम्र वाला व्यक्ति 30 साल की उम्र में जितना खाता था उतना खाए तो बीमार हो जाएगा, खा तो लेगा बीमार हो जाएगा। ये सबका अनुभव है। इसलिए हम बोले हमने खाया, हमको शक्ति मिली, पर शक्ति कम भी हो रही है। देखते हैं पर देखने की क्षमता भी खर्च हो रही है। इसलिए अपनी क्षमता को खर्च ही न करते रहें, अपनी क्षमता को बचाएं भी। और अपनी क्षमता कैसे बचे, कैसे बढ़े, कि जब भी मौका मिले आंख बंद करके बैठे, गर्मी के दिन है, रात को अगर सुविधा हो खुले आकाश में नजर डालते हुए लेट जाएं, आसन कंबल आदि बिछाकर खुले आकाश की ओर देखें, चंद्रमा की ओर देखें, पूनम के चांद की ओर देखें, तो आंखों को भी फायदा, साधना भी होगी, देखने की क्षमता खर्च नहीं होगी, बढ़ेगी। गुरुदेव के चित्र को देखें, और कल होली है, पूनम भी है, अपने घर पे बता देना, जिनके घर पे आर्थिक परेशानी हो वे लोग अगर होली की रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें, अर्घ्य तो आप यहां भी दे सकते हैं पानी से, जैसे सूर्य को अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा को दिया दिखा दें, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः करके, और दूध और चावल की खीर बनाकर कल की रात को चंद्रमा को नैवेद्य अर्पण करें, रात को छत पर कटोरी में खीर लेकर उनको कहें कि आज आपका प्रागट्य दिन है, कल चंद्रमा का प्रागट्य दिन है होली। तो जैसे किसी का जन्मदिन हम मनाते हैं, अपने घर पे पिता हो, दादा हो, माँ हो, पत्नी पति, एक दूसरे का मनाते ना भी, आज आपका जन्मदिन है बधाई हो, तो कल चंद्रमा का प्रागट्य दिन है, तो उस दिन एक खीर आदि का नैवेद्य अर्पण किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर से ये परेशानी दूर हो जाए। अथवा ये भी प्रार्थना कर सकते हैं, केवल धन से ही आदमी दरिद्र नहीं होता, भावों से भी दरिद्र होता है। अच्छे भाव नहीं होते हृदय में, विचारों की भी दरिद्रता होती है। यह भी प्रार्थना कर सकते हैं, चंद्रदेव आपको शिवजी ने अपने भाल में धारण किया, हम भी ऐसी साधना करें, ऐसी भक्ति करें कि हम गुरुदेव के दिल में जगह बना पाएं, गुरु की नजरों में हम आते रहें। ये भी एक भाव ला सकते हैं, ये प्रार्थना करके भी अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्र को शिवजी ने अपने भाल में स्थान दिया है, इसलिए चंद्रमा की स्तुति का जो श्लोक है पुराणों में, उसमें यही आता है, दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारणव सन्निभम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। शिवजी के मुकुट का भूषण चंद्रमा, चंद्रमा मन के देवता है, तो ये कर सकते हैं कल के दिन सभी। राजा ने खूब समझाया अपने बेटे को, पर बेटा नहीं माना, गलत राह पर चलता रहा। राजा को एक दिन बहुत गुस्सा आया, बेटे को डांटा फटकारा खूब, इतना डांटा कि बेटा महल छोड़कर चला गया। राजा ने सोचा दो चार दिन में लौट आएगा, कहां जाएगा, महलों में रहा हुआ लड़का बाहर कहां रहेगा। पर वो लड़का लौट कर नहीं आया, शराबियों के अड्डे पर जा पहुंचा, और राजा का बेटा था, दिमाग तो था हुकूमत चलाने का, इसलिए वहां भी सबको अपने वश में करके वो वहां का मुखिया बन गया, शराबियों के अड्डे का बॉस बन गया, और वहां नाच गान शराब कबाब इसमें उलझ गया। यहां दिन बीतते चले, सप्ताह बीते, महीने बीते, वर्ष बीते,
राजा बूढ़ा हो गया, राजा को अपनी मृत्यु दिखने लगी। फिल्म वाले होते ना डायरेक्टर लोग, उनको एक पिक्चर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, पर पिक्चर बन जाती है तो देखने वालों को खाली 2.5 घंटे या 3 घंटे ही लगते हैं, पिक्चर पूरी हो जाती है। उसी प्रकार पूरी जिंदगी जो कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, जब अंत समय आता है तो पूरी पिक्चर कुछ ही क्षणों में आदमी की मन की आंखों के आगे आ जाती है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये किया, ये किया। तब अच्छा किया होता है तो खुश होता है आदमी, और बुरा किया होता है तो दुखी होता है। साधक को कभी दुख नहीं होगा उसका, क्योंकि साधक ने सत्संग सुना है, साधन भजन किया है, नेकी की कमाई की है, अपना धन फालतू काम में न लगाकर कोई अच्छे काम में लगाया है। तो साधक को एक संतोष होता है अपने जीवन से कि मैंने अपना जीवन सही जिया है। इसलिए मरते समय पीड़ा संसारी को होती है, साधक को नहीं हो सकती, क्योंकि अंत समय साधक को याद आएगा कि मैं तो मेरे बापू के चरणों में बैठता था, मैंने पूनम व्रत इतने किए थे, वाह वाह जिंदगी में अच्छी कमाई हो गई, 120 पूनम हो गई, 130 पूनम हो गई, 150 पूनम हो गई, वाह 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 वाह, जो जीवन मुझे ईश्वर ने दिया था, हे दाता तूने कैसी कृपा की कि मैंने इतने पूनम व्रत किए, वाह 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 वाह, आनंद आएगा, खुशी होगी, क्योंकि नेकी की है, एक आत्मसंतोष होगा, समृद्धि होगी, क्योंकि